देखिए, जॉइंट फिल्म्स एक तरह से एक रेवोल्यूशनरी स्पेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग आना चाहते हैं बॉलीवुड। मैं कहूँगा हर पांचवा आदमी आना चाहता है, लेकिन उसके पास सही जानकारी अवेलेबल नहीं है। और अभी तक इंडस्ट्री की क्या गॉसिप और नेगेटिविटी बाहर गई थी, किसी ने भी कोशिश नहीं की थी कि जो इसकी सही बातें, सच्ची बातें, जिससे वाकई करियर बन सकता है, वो आ जाए। तो सोच ये थी कि मैं ये काम कर दूँ और जॉइंट फिल्म का एक कॉन्सेप्ट बनाऊँ, उससे मैं लोगों तक पहुँच जाऊँ, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, ताकि किसी के साथ फ्रॉड ना हो पाए। और जो एक डर है मन में कि यार बॉलीवुड में जाएंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं उनके दूर कर दूँ। और आज मैं खुश हूँ कि वो दूर हो रहा है, लोगों का प्यार बहुत बढ़ रहा है। इतना क्राउड आज आसाम से लोग आए, राजस्थान से आए, गुजरात से आए, इवन हैदराबाद से लोग आए, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये काम कर रहा है। जॉइंट फिल्म्स ने बहुत सारे नए सॉल्यूशंस पैदा किए हैं इस बात को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए। जैसे कि सबसे पहले ऑनलाइन वीडियो कोर्स जॉइंट फिल्म्स ने मीडिया के तैयार किए, जिसमें कि एक्टिंग कोर्स है, स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स है, सिनेमाटोग्राफी कोर्स है, फिल्म मेकिंग कोर्स है, और अब बहुत जल्दी सिंगिंग का भी कोर्स आ रहा है। वो इसलिए कि बेसिक तैयारी अगर वो घर से करके आएंगे तो यहाँ पर वो प्ले कर सकते हैं, मतलब तैयारी पहले हो जाए, खेलें बाद में, वो शुरुआत किए। फिर बहुत सारे प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, जहाँ पहला है इंडिया का जहाँ पे कैमरा एक्टिंग रेगुलर सिखाई जाती है, ताकि कैमरा फियर दूर हो जाए, कैमरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी एक्टिंग सिखाई जाती है। तो जितने भी कोर्सेज डिज़ाइन किए गए वो एक सॉल्यूशंस हैं, एक्चुअली वो कोर्सेज नहीं है। तो ये कहना चाहूँगा कि कोई भी इनिशिएटिव होता है तो सेलिब्रिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसा कोई एक्टर आपके दिमाग में है जो आपके ब्रांड को प्रमोट करना चाहेंगे या चाहेंगे कि कोई एसोसिएट हो जाए? देखिए, वैसे तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फिल्म इंडस्ट्री का कि जब ये कोशिश शुरू हुई थी तब बहुत ज़्यादा लोग सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग सामने आए, उन्होंने अपनी जितनी भी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो सब वीडियो के माध्यम से जॉइंट फिल्म चैनल में ऑलरेडी शेयर करना शुरू कर दिया। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जॉइंट फिल्म अगेन एक कॉन्सेप्ट है, एक रेवोल्यूशन है, तो वो लोगों तक, लोगों के द्वारा ही पहुंचेगा, और जो जो भी इसमें इस यज्ञ में आहुति देगा उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तो किस तरह से एक कॉर्पोरेट कंपनी का रूप देना चाहते हैं या एक एनजीओ टाइप का कि एक सोशल काम कर रहे हैं, क्या रूप क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैं इसको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, एक ऐसी कम्युनिटी का रूप देना चाहता हूँ, जहाँ पर हम सब लोग बहुत जेन्युइन तरीके से एक दूसरे को सिखा रहे हों, बता रहे हों। हम लोग सिटी वाइज टूर भी कर रहे हैं, अभी हम लखनऊ से आए, उसके बाद अभी पटना को जा रहा हूँ मैं 25 नवंबर को, वर्कशॉप, सेम इस तरह की वर्कशॉप, एक अवेयरनेस कैंपेन फैलाने। तो इसको एक ऐसी एकेडमी बनाना है जहाँ पर अगर कोई बंदा आ जाए तो वो जेन्युइनली सीख के जाए, समझ के जाए। तो डिजिटल मीडियम पे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो डिजिटल मीडियम में आजकल वेब सीरीज एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो क्या आपने जॉइंट फिल्म्स के माध्यम से वेब सीरीज या कोई टीवी शो प्रोड्यूस करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। जितने भी हमारे एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं कैमरा एक्टिंग कोर्स के, उनको लेकर मैंने वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म शुरू कर दी, जो नेक्स्ट सैटरडे से रिलीज होना शुरू होगी। अगेन, ये एक स्टूडेंट फिल्म की तरह नहीं बनी है, उसमें हम बाकायदा एक बाहर के डायरेक्टर को हायर करते हैं, राइटर को हायर करते हैं, लोकेशन पर जाकर शूट करते हैं, ताकि उनको एक पूरा एक्सपीरियंस मिले कि ओरिजिनल शूटिंग होती कैसी, तो वो किया हमने। दूसरा हमारा एक म्यूजिकल शो शुरू हो रहा है, उसमें भी स्टूडेंट्स ही हमारे एंकर हैं, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी सिंगर्स आ रहे हैं, संडे स्टूडियो के नाम से। ये 25 नवंबर से शुरू हो जाएगा, हर संडे 11 बजे आएगा। तो वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि हम ना सिर्फ सिखाएंगे बल्कि हम एक प्लेटफॉर्म भी देंगे स्टूडेंट्स को। मेरा विज़न बहुत क्लियर है कि मुझे लगता है 1 करोड़ से भी ऊपर के लोग ऐसे हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं, नज़दीक से समझना चाहते हैं। मैं जॉइंट फिल्म्स को उन लोगों तक पहुंचा सकता हूं।